सर विरेन अपने असाइनमेंट्स और स्कूल के काम लैपटॉप में करता है और गेम्स के लिए तो वो अपना मोबाइल यूज करता है। सर सर ये देखिए 20 तारीख को एक गेमिंग साइट पे एक वीडियो अपलोड किया गया है। 20 तारीख को कनिका में मर्डर हुआ था, जरा दिखाओ क्या है वीडियो में। अंजलि ने बताया था कि अंश और वीरेन लेवल 5 के लिए कम्पीट कर रहे थे, तो क्या ये 500 का नोट लेवल 5 चैलेंज के लिए था? आपके पास पिज्जा कटर है? सर आपको लगता है मेरा वीरेन ऐसा करेगा? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो ये साबित करने का फिलहाल एक ही रास्ता है। इसका मतलब जिसने भी कनिका को मारा है उसे दुकान की सीसीटीवी के बारे में पता था और इसीलिए उसने दाखिल होने के लिए पिछला रास्ता चुना। और जहां तक बात है अंश और वीरेन की, आई एम श्योर दोनों में से किसी एक ने दूसरे को किडनैप किया है अगले लेवल पे कम्पीट करने के लिए, और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो हमें दोनों को ढूंढना पड़ेगा। सर गायत्री के घर में हमें जो पिज्जा कटर मिला था उसमें ब्लड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। हेलो कहाँ पे? ठीक है सर, गौतम नगर के पिज़्ज़ा आउटलेट का फ़ोन था, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिज़्ज़ा 1 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवर किया था और दोनों बार पिज़्ज़ा रिसीव करने कोई लड़का आया था जिसने कैप पहनी हुई थी। कहीं ये दोनों तो डिलीवरी नहीं ले रहे, दोनों बहुत होशियारी से काम ले रहे हैं। सर वीरेन का फोन फिर से ऑन हुआ है पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के लिए और डिलीवरी डी एन नगर के बस स्टॉप पर मंगवाई है। पिज़्ज़ा वालों को बोलो जब तक हम नहीं पहुँचते डिलीवरी होनी नहीं चाहिए। सर जो कोई भी है बहुत स्मार्ट है, डिलीवरी लेने खुद नहीं आया किसी और को भेज दिया। चलो दोबारा बुलाऊंगा तुझे, अब जा। मुझे पता है वीरेन ने ही कनिका दीदी को मारा है, क्योंकि वो तुम्हारी गेम का हिस्सा था और इसीलिए उसने वो वीडियो उस गेमिंग साइट पे अपलोड किया था। हाँ वीरेन घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसा और उसने कनिका दीदी पे अटैक किया। एक शाम पहले ही मैंने उस पिज्जा कटर का यूज किया था और वो वहां कहीं पड़ा हुआ था, उसने उसका इस्तेमाल लेवल 5 पे जाने के लिए किया। उसने 500 की नोट को कनिका दीदी के पेट पे रखा और उसे काटा, पिज्जा कटर को अपने साथ रख लिया एज अ सुवीनियर, लेकिन उसी पिज्जा कटर का इस्तेमाल मैंने उस पर किया। तो तुमने वीरेन को इसलिए किडनैप किया था कि तुम अपनी बहन की मौत का बदला ले सको? उसके लिए भी, लेकिन मुझे भी लेवल 5 तक पहुंचना था इसलिए मैंने उसे काफ़ी दिनों तक जिंदा रखा ताकि मैं भी लेवल 5 के एंट्री पर अपना वीडियो अपलोड कर सकूँ। और आज सुबह मेरे सारे दोस्त इस गेम के बारे में जानते हैं पर सबके बस का नहीं है इसे खेलना, क्योंकि लेवल 5 के लिए आपको मर्डर का वीडियो अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद में ही आप पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स रिडीम कर सकते हो। आप लोग जब आए तब कुछ मिनट पहले ही मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। तो तुम्हारी माँ को जो रैंसम के कॉल्स आते थे वो? ताकि मेरे पास भरपूर पैसे रहे, उस दिन मैंने आप लोगों को छुपते हुए देख लिया था इसलिए मैं वहां से भाग गया था। फिर ये अपने आप को किडनैप करवाने का नाटक क्यों किया? वो आइडिया मुझे उस दिन आया जिस दिन मैंने पापा का फोन रिसीव किया था। मैंने तेरी बेटी को मारा है तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा, मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। मैंने सोचा चैलेंज पूरा होने के बाद मैं घर पे वापस जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वहां से भागने में कामयाब रहा, तब तक वो वीरेन जा चुका होगा
और मेरे झूठ का पता कोई भी नहीं लगा पाएगा। बाकी सब कामों के लिए पिज्जा डिलीवरी लेने के लिए मैंने एक चाय वाला लड़का रखा था। इतना सब कुछ एक ऑनलाइन गेम के इमेजिनरी लेवल पे पहुंचने के लिए, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है? नहीं सर, इस वक्त सारे प्लेयर्स मुझे पागलों की तरह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे। सर क्या मैं अपना अकाउंट चेक कर सकता हूँ प्लीज? सर हमने इस गेमिंग ऐप की कंप्लेंट साइबर क्राइम में कर दी है। तूने सिर्फ एक खिलौने के लिए अपने माँ बाप को मार डाला? नहीं, कहानी इतनी छोटी भी नहीं थी। देखा अपने पापा से गेम मांग के तुझे क्या मिला? बोल रहा हूँ ना मैं, चल मेरे साथ। गेम लड़की क्या है, तू जो मांगेगा सब कुछ मिलेगा। वो बागी मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था। वो बोला कि कौन से माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह से पीटते हैं, तो फिर मैंने अपने माँ बाप को मार दिया। पाल सुधार ग्रह से भी वो बागी मुझे भगा कर ले गया। 18 साल की उम्र में मुझे तमंचा थमा दिया। उसी तमंचे से मैंने एक सुनार का सर खोला और अपनी गैंग के साथ मिलकर सारा सोना लूट लिया था। बड़ा हुआ तो सरगना बन गया उनका। जिस तरह उस बागी ने तुझे गुमराह किया था, तू भी बच्चों को गुमराह करने लगा और वो NRI का खाली कर देख के अड्डा बना लिया वहाँ पे अपना। हाँ, और जब आप लोगों ने वहाँ रेड मारी तो जुबैद सारा माल बचा करके मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे शक था कि कहीं आप लोगों ने उसे देख लिया होगा, तो बस मैंने उसे भी खत्म कर दिया। हथियार कहाँ से आते थे, किसको सप्लाई होते थे? ये हथियार हिंदुस्तान के बाहर से आते थे और हिंदुस्तान के हर एक कोने में सप्लाई होते थे। सप्लाई में बच्चे सेफ होते हैं क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता है, तो बस मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। उन्हीं बच्चों से तो उनका नाम छीन लेता, कोडवर्ड देता उनको। शीतल भी इन्वॉल्व थी इसमें? नहीं, मैंने अपने काले धंधे छुपाने के लिए कॉस्मेटिक का धंधा शुरू किया। शीतल तो वहाँ ट्रेडर बनकर आई थी और अपना दिल मुझे गिरवी दे बैठी। बस मैं शीतल में अपने बचपन की गर्लफ्रेंड गुड़िया काक्स ढूंढता रहा। नितेश कैसे आया तेरे ग्रुप में? वो तो जरूरत का मारा था बेचारा। जब शीतल ने मुझे उसकी जॉब के लिए कहा तो मैंने उसे दुबई जाने का लालच दिया। बस फिर क्या था, वो मेरे सारे काले धंधे करने लगा और मैं शीतल के साथ मजे करने लगा। भगत, हम शायद गलत कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी लगे वो कभी गलत नहीं हो सकती है शीतल, और वैसे भी तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो जब वो ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? वो मुझसे ही चक रही थी लेकिन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को अपना सब कुछ दे बैठी। शीतल और नितेश के बीच शारीरिक संबंध थे? अभी तो नितेश की चल गई थी, उसी कमीने ने मेरा और शीतल का वीडियो बना लिया था। देख लिया वीडियो? इस बार तो फेसेस ब्लर किए हैं। अगर तूने भगत को नहीं छोड़ा, अगली बार बिना ब्लर किए तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। शीतल ने मुझे सब कुछ बता दिया था, अगर वो वीडियो वायरल हो जाता तो मेरे सारे काले धंधे बाहर आ जाते। तभी मैंने उसे खत्म करने की सोची लेकिन वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैंने एक ट्रैप रचा। ये नितेश तेरी मम्मी को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी बात जरा ध्यान से सुन, तुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। किसी भी तरह से उस नितेश को अपने साथ ले, बाकी सब मैं देख लूँगा। और फिर जब वो नितेश को अपने साथ शराब पीने के बहाने लेकर आया तो मैंने नितेश को खत्म कर दिया। तो शीतल को भी तूने? नहीं, शीतल को मैंने नहीं मारा। मुझे लगता है कि उसके पति को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो शायद उसी ने उसको। अगर तूने सर एक मिनट, सर शीतल की फोन की मैसेज हिस्ट्री मैंने रिट्रीव की, ये देखिए सर। रिमी और शीतल के बीच हत्या वाले दिन ये सारे मैसेजेस पास ऑन हुए थे। तुम अपनी मम्मी को मारने के बाद उन्हीं की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने हमारे पास आए, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त नितेश के साथ मम्मी मैं नितेश के लिए एक महीने से परेशान थी और फिर मैंने मम्मी के मैसेज हिस्ट्री और कुछ वीडियोस देखे।
मैं समझ गई थी कि उनका मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने पापा को फोन कर दिया था, फिर पापा ने मम्मी को कॉल किया और मम्मी मुझे कॉल कर रही थी, पर मैंने उनका फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैसेज करके फैक्ट्री के पास चांदपुर बुलाया, बोली वही बात करेंगी मुझसे। क्या है बेटा? मैं बहुत बुरी हूँ, खुद की नजरों में गिर चुकी हूँ, मुझे माफ कर। नाटक बंद करो आप, मुझे बस इतना बता दो नितेश कहाँ है। नितेश? मुझे नहीं पता। क्यों, मार दिया ना उसको? रिमी? नहीं बेटा, आपका कोई भरोसा नहीं। नीरज अंकल का फोन आपने हैक किया था? नहीं अंकल, मैंने आपको बताया, मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। अरे पार बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा पार्ट ऐसे नहीं कर सकता। अरे आप सर को कुछ कहिए ना, आपको तो पता पार्ट ऐसे नहीं करेगा। सर भले ही बच्चा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नीरज के मोबाइल की हैकिंग उस लैपटॉप से ही हुई। मुझे लगता है पार्थ कोई दबाव डाल रहा है ना बताने के लिए, क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय ने बताया डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला आदमी 25 से 30 साल के बीच का था। पार्थ मुश्किल से 10-12 साल का होगा। सर कहीं पार्थ के पेरेंट्स के दबाव की वजह से तो? अविनाश तुम अनिल के मोबाइल का हैकिंग और उसका मेल ट्रैकिंग जारी रखो। सर तृप्ति काम करो, पार्थ के काउंसिलिंग की तैयारी करो, और एक ध्यान रखो इस वक्त उसके काउंसिलिंग के टाइम उसके पेरेंट्स नहीं चाहिए। सर जिस दिन नीरज का फोन हैक हुआ था, अनिल के घर जितने भी लोग आए थे, सीसीटीवी की हेल्प से मैंने सबकी लिस्ट बना ली है, ये देखिए। शिरके है पूरे लिस्ट में सिर्फ एक ही आदमी जो 25-30 साल के बीच का है, और ये अनिल और सचिन के घर आया जाया करता था। नीरज को इसके बारे में पूछो और डिलीवरी बॉय को इसका फोटो दिखाओ, और ये भी पता करो कि मर्डर के दिन ये कहाँ था। ठीक है सर। हाँ सर, यही वो आदमी था। नीरज तुम इसे जानते हो? हाँ मैडम, इसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ। सर चिपलून में ही गाँव है उसका, और जिस दिन चारू का मर्डर हुआ उसके फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी। पार्थ से बात करते हैं। कैसे हो? पार्थ बेटा, अंकल से डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है जो आपको डरा रहा था। आंटी की बात पे भरोसा नहीं है आपको, है ना? यही धन्यवाद, पकड़ लिया इसको हमने, जेल में बंद कर दिया है, अभी कुछ नहीं करेगा तुमको। हाँ कुछ करेगा फटके देंगे उसको। हाँ बताओ क्या हुआ था? मैंने पापा और वो आंटी की फोटो पापा के मोबाइल में देख ली थी, अगर मम्मी को कुछ बोलता तो वो रोती, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अंकल ने मुझसे पूछा तो मैंने इनको बता दिया, वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि अगर दिखाओगे तभी मानूंगा, तो मैंने उनको भी फोटो दिखा दी थी। फिर पता नहीं वो फोटो पापा की मोबाइल में कैसे आने लगे, वो पापा को लगा कि मैंने कुछ किया है। पापा मुझे मारते थे और अंकल धमकाते थे, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था सिवाय चारों दीदी के। दीदी दीदी अगर पापा को अंकल के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। तू चिंता मत कर पार्थ, मैं बात करती हूँ अंकल से। चारू दीदी ने अंकल से बात की थी क्या? पता नहीं, फिर अंकल ने मुझे कॉल करके बोला कि चारू दीदी को भी लैपटॉप से मोबाइल का सोशल मीडिया कनेक्ट करना सिखा दूँ, वो मैंने उनको सिखा दिया, तो दीदी मर गई। मैं बहुत डर गया था, उन्होंने ही दीदी को मार दिया होगा, अब वो मेरी मम्मी को भी मार दे लेंगे अंकल। अरे नहीं डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा, जेल में बंद कर दिया हम लोगों ने, डरो मत। चला बोला बड़ा पट, तोते की तरह बात करना शुरू कर, सब सबूत है तुम्हारे खिलाफ। नहीं बोलेगा तो ऐसा मारूंगा ना, चिपरून के हॉस्पिटल में बेड बुक करना पड़ेगा। चल बोल। सर पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, और नौकरी भी नहीं लगी, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उससे भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। तो फिर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया? कभी कोई प्लान नहीं किया सर, पार्थ ने खुद मुझे अपने पापा की फोटोज दिखाई,
अंकल, ये मेरे पापा का मोबाइल है। तब मुझे आइडिया आया, मैंने उसे बिना बताए वो फोटोज ब्लूटूथ से अपने फोन पे ट्रांसफर की और उसके पापा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। और चारू को क्यों मारा? सर पार्थ ने चारू को सब कुछ बता दिया था। सर पार्थ अपने पापा से रोज मार खा रहा है आपकी वजह से। मैं अनिल अंकल को सब सच बता दूंगी आपके बारे में। तुम्हें बताना होता ना तो तुम पहले ही बता देती, तो फिर बताया क्यों नहीं? सर मुझे भी अपने घर से भागना है, अपने मम्मी पापा से दूर, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो ले लेना अपने पापा से, रास्ता मैं बता देता हूँ। मैंने पार्थ से कहा कि वो चारू को सिखाए और उसने सोशल मीडिया स्टेटस के जरिए अपने पापा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका बाप सबसे पहले आप लोगों के पास चला गया। वो पैनिक हुई, मैंने उसे बोला कि वो कुछ दिन रुक जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। आपकी वजह से फंसी हूँ मैं, क्या करना है वो बताओ। पुलिस ने अगर पापा को बता दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। देखो पुलिस की एक्टिविटी से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चिपलून में हूँ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वापस चली जाना। ठीक है। चारू की बेवकूफ़ी की वजह से मैं फंस सकता था सर, और अगर उसे वापस भी आने देता तब भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो इधर आके किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती। प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दो। नीरज, नीरज के बच्चे को मैं पढ़ाता था, जब अनिल से पैसे मिलने लगे तो मैंने सोचा उसे भी ब्लैकमेल किया जाए। तू बच्चों को पढ़ाता था ना, तो तूने शिक्षा नहीं ली? लालच बुरी बला है, इस लालच के वजह से एक छोटी बच्ची की जान गई, अब सड़ जेल में। एक चीज हमसे छूट गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वेदिका और कीर्ति की बॉडी में सेम ड्रग्स पाए गए थे। कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे थे हम, क्योंकि आरान ना तो वेदिका को ठीक से जानता था और ना ही कीर्ति को। तो फिर कोई तो ऐसा था जो आरान को भी जानता था और वेदिका और कीर्ति को भी। तब हमारे जहन में जाकर तुम्हारा नाम आया, क्योंकि वेदिका और कीर्ति जिस दिन गायब हुई उस दिन आरान ने तुम्हें सेम ड्रग्स भेजे थे। पहले हम तुम्हारे और कीर्ति के कनेक्शन को ठीक से नहीं जोड़ पा रहे थे, फिर आखिर पता चल ही गया कि तुम दोनों शर्मा ट्यूटोरियल्स में पढ़ते थे एक साथ। मैं ड्रग्स लेता हूँ सर, लेकिन सर वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि मैंने उसी दिन आरान से ड्रग्स लिए थे। लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा सर, कीर्ति को या वेदिका को? सर वेदिका तो सर मेरी बहन थी सर, उसे तो मैं बहुत प्यार करता था सर। देखा था हमने तुम्हारा प्यार वेदिका के लिए, कैसे तुम अपनी माँ पर चिल्ला रहे थे वेदिका को आजादी देने के लिए। नहीं 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 सर, वो तो मैं ऐसे ही चिल्ला रहा था सर कि पापा को गुस्सा ना जाए, अगर उनको गुस्सा आ जाता सर तो वो ना मेरी सुनते, ना माँ की और ना आयुष की, वो नाटक था सर, बस एक नाटक था सर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? मिस्टर शिशिर, अपनी बेटी वेदिका पर चीखने चिल्लाने की बजाय अगर अपने बेटे पर ध्यान दिया होता तो आपको पता होता कि आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। और सिर्फ ड्रग एडिक्ट ही नहीं, आपकी बेटी वेदिका के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट भी है ये। ये किताब किसकी है? किसकी है? ये तो आयुष की है। क्या वो? सर भैया की कोचिंग में देखा था कीर्ति को पहली बार, देखते ही प्यार हो गया था, और जब उसने टॉप किया वो तो खुश थी, मगर मैं उससे भी ज्यादा खुश था। उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता था मगर भाई के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। वो अच्छे नंबर पाने के लिए उस प्रोफेसर के साथ सो रही थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है सर? ये धोखा हुआ है ना? धोखे की सजा 3 महीने से।
उसने भी अचानक से टॉप करना शुरू कर दिया। जब पीछा किया तो पता चला कि वो भी वही कर रही थी जो कीर्ति कर रही थी, और वो मेरी बहन थी सर। उसे इतना जल्दी नहीं मार पाया मैं, इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया ताकि उसे उसके किए का पछतावा हो। मगर उसने तो मुझे ही मारने की कोशिश की। दीदी गलत थी सर, और जो उसने किया मम्मी पापा ने हमें ऐसी परवरिश नहीं दी थी। दीदी को सजा तो मिलनी ही थी। तुम्हारी दीदी वेदिका और कीर्ति गलत, लेकिन उन्हें सजा की नहीं सीख की जरूरत थी, और तुम्हें तो उन्हें जान से मारने का बिल्कुल भी हक नहीं था। इतनी बर्बरता से कि राक्षस की रूह तक कांप जाए। तुम जैसे मुजरिम को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो उन्हें लग रहा है कि दरभंगा का वो क्रिमिनल राकेश मेरठ में हो सकता है, और हमारा केस उस क्रिमिनल से इंस्पायर्ड हो सकता है। मेरठ का नंबर किसका है? सर नंबर तो फेक आईडी का है, लेकिन मेरठ की जनता कॉलोनी में एक्टिव है। सर ये राकेश की फाइल है। सुनिए, ये इनको कहीं देखा है? पहचानते हैं? ये तो रोहित भाई है, अभी अभी सिगरेट लेके गया। किधर गया? इधर गया। अनिल, रोहित उर्फ राकेश। पांच साल से दरभंगा पुलिस को चकमा दे रहा था, और अब यहाँ के प्रसून और उसकी फैमिली। सर मैं प्रसून और उसकी फैमिली को जानता तक नहीं, लेकिन मैं अपनी बीवी की चिक-चिक से बहुत तंग था सर। एक दिन गुस्से में उसका खून कर बैठा, और मजबूरी में मुझे अपने बेटे को भी मारना पड़ा। फिर मैंने उन दोनों की लाश फेंक दी। दरभंगा पुलिस को जब लाश मिली तो सर वो मुझ पे ही शक करने लगे। उससे निजात पाने के लिए मेरे अंदर उधेड़बुन चल रही थी सर, और फिर सर मैं विदेशी फिल्म की स्टोरी को अपनी रियल लाइफ में कॉपी करने की सोचने लगा, और फिर मैंने एक भिखारी ढूंढा और उसका सर काट के अलग कर दिया, और उसकी जेब में अपनी आईडी डाल दी। सर मैं तो यहाँ पर अपनी पहचान बदल के रह रहा था, लेकिन यहाँ भी मेरे जैसा मर्डर। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरा तरीका किसने कॉपी कर लिया सर। चल एक बार को मान लेते हैं कि तू सच बोल रहा है। तो ये बता, यहाँ पे ये बात तूने अपनी किसी को बताई थी? एक दिन नशे में एक लड़के के आगे मुंह खोल बैठा था सर। मुझसे चलाकी करने की कोशिश भी मत करना, तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ। मैं दरभंगा पुलिस को 5 साल से घुमा रहा हूँ, तू क्या चीज है? कौन था वो लड़का? गगन। सर मैं खुद गगन को लेके काफी दिनों से परेशान हूं। पता नहीं कहां चला गया वो। कहीं चला गया? तो छिपा के रखा उसको कहीं? मेरे बेटे को ड्रग्स की लत है, उसको यहां रोक के रखना आसान नहीं है। अपनी तलब पूरी करने के लिए वो कभी भी भाग जाता है। कभी भी भाग? हाँ मनीष बोलो। सर रोहित उर्फ राकेश के मोबाइल में गगन और एक बच्चे का वीडियो मिला है। वीडियो? जी सर। सर एक और बात है,
तीन दिन पहले साहिबाबाद पुलिस को गगन की लाश मिली थी। जब उसकी पहचान पता करने के लिए उसका फोटो हमारे थाने में आया तो मैंने उसे नोटिस किया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।